नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। बिल्लौर में गुरुवार दोपहर बैंक से रुपए निकालने के लिए आया आरोपी वापस घर नहीं आया। तलाश में निकले परिजनों को नानामऊ घाट पर उसकी बाइक खड़ी मिली और गंगा नदी के किनारे कपड़े पड़े मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और गंगा में नाव के द्वारा तलाश की गई। फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। वहीं सपा नेत्री रचना सिंह मौके पर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बताया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिल्लौर थाना क्षेत्र के माखनपुरवा गाँव निवासी 38 वर्षीय राजवीर यादव उर्फ डिम्पल पुत्र स्वर्गीय फूलचंद अलियापुर में अनाज की आढ़त चलाते हैं। उनके घर में पत्नी और 12 वर्षीय बेटी सोना और एक 6 वर्ष से पुत्र राजन है। उनके भाई रोहित के अनुसार वो प्रतिदिन की भांति गुरुवार सुबह भी अपनी आढ़त पर गए थे और वहां से दोपहर में किसानों द्वारा बेची गई फसल का भुगतान करने के लिए बैंक से पैसे निकालने बिल्लौर गए थे। इसके बाद वो ना तो घर वापस लौटे और ना ही आढ़त पर वापस आए। फोन कॉल करने पर भी वो बेल जाती रही लेकिन कॉल रिसीव नहीं की। पता न चलने पर चिंतित परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। देर रात क्षेत्र के नानामऊ घाट पर उनकी बाइक खड़ी मिली लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला। लापता आरती की चप्पल और कपड़े शुक्रवार सुबह घाट पर गंगा किनारे पुल के नीचे पड़े मिले। बिल्लौर नानामऊ मार्ग पर घटना को लेकर सीसीटीवी खंगालने पर एक पेट्रोल पंप पर लगे कैमरों के फुटेज में रात लगभग 8:15 बजे आरती बाइक से अकेले गंगा घाट की ओर जाते दिखाई दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का मोबाइल रात लगभग 11 बजे तक चालू था लेकिन किसी की भी कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। मोबाइल की लोकेशन गंगा घाट के आसपास आधा किलोमीटर क्षेत्र में लगातार बदलती रही। देर रात मोबाइल की लोकेशन पहले अटिया फिर अकबरपुर सेम गांव के पास पाई गई। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस इधर उधर चक्कर लगाती रही लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। पैसे निकालने के लिए बिल्लौर आए आरती ने बिल्लौर कस्बे में एक जन सुविधा केंद्र से 29,000 रुपए अपने खाते से निकाले थे। हालांकि पैसे निकालने के लिए लाई गई चेक उसकी जेब में ही पड़ी मिली। थाना प्रभारी के अनुसार आरती का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कल दोपहर के बाद से किस किस से बात हुई उसकी भी डिटेल मंगाई गई है।